हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें से टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यह एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड 23वां वीडियो है। एन एडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे कि दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में पचाता है। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन तथा एल्ब्यूमाइन के रूप में पचाता है। प्रोटीन तथा एल्ब्यूमाइन के रूप में पचाता है। यह पेप्टिन कहां से स्रावित होता है? दोस्तों, यह अमाशय के जठर रस से स्रावित होता है। जैसे कि अमाशय यानी कि स्टोमच के जठर रस से एससीएल और एंजाइम स्रावित होते हैं। तो एंजाइम में आपका पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूसिन स्थापित होता है। तो पेप्सिन क्या करता है? यह एचसीएल की उपस्थिति में प्रोटीन से संबंधित भोज्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदलता है और एल्ब्यूमाइन में बदलता है, और रेनिन दूध को कैसीन में बदलता है और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स को पचाता है। और म्यूसिन क्या करता है? अमाशय की आंतरिक दीवारों पर परत बनाकर एचसीएल के प्रभाव से रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहता म्यूसिन तो एससीएल अमाशय की दीवार को काट सकता है। जैसे कि एससीएल गैस्ट्रिक यानी जठर रस में एंजाइम और एससीएल होता है। इस एंजाइम के बारे में हमने जान लिया। एससीएल जो होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, यह भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थों, कीटाणुओं, कंकड़ पत्थर को जलाकर नष्ट कर देते हैं तथा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देते हैं। एंड दोस्तों, जो इसमें से रेनिन एंजाइम होता है वह नवजात शिशु में ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अमाशय में जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का। और अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, प्रोटीन वसा के पाचन की यहाँ पे शुरुआत होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन वसा की पाचन की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो अमाशय में। और कार्बोहाइड्रेट तो हमारे मुंह के टाइलिन से ही शुरुआत हो जाता है, बट अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता है। आगे चलते जब अमाशय से छोटी आंत में जाने लगता है तो छोटी आंत के पहले भाग डुओडेनम में नली जुड़ी रहती है, अग्नाशय नली और पित्ताशय नली, जहां से अग्नाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम मिलते हैं। एमाइलेज ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। ये तीनों मिलते हैं अग्नाशय नली के द्वारा डुओडेनम में छोटी आंत के पहले भाग में। उसके बाद और एक पित्ताशय नली जुड़ी होती है जिसे पित्त रस आकर के मिलता है भोजन में, वो वसा के पाचन को पाचन करता है। ठीक है, अब वसा को जल में घुलनशील बना करके बनाता है जिसे इमल्सीकृत कहते हैं। तो इस प्रकार वह छोटी आंत में जाता है जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। अब भोजन का पूर्ण अवशोषण और पाचन दोनों आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बॉडी बिल्डर के आहार में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा आता है, एंड शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन आता है, एंड शरीर की रक्षा करने वालों में विटामिन एंड खनिज लवण आता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डर यानी बॉडी को बिल्ड करने के आहार में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए, तो प्रोटीन की। नेक्स्ट, कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक है। शरीर के विकास की बात कर रहा है तो यहाँ प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, एक छोटे बच्चे के भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है। ठीक है, एक छोटे बच्चे के भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होगी, तो छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा होती है कि उसका शरीर का विकास हो, तो उस समय प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, पैंक्रियाटिक रस क्या होता है यानी कि अग्नाशयी रस। तो पैंक्रियाज से दोस्तों, पैंक्रियाटिक रस जो होता है वो एंजाइम होता है। पैंक्रियाज से एंजाइम, जैसे कि पैंक्रियाज जो है मिश्रित ग्रंथि है, उसमें हार्मोन्स एंजाइम दोनों निकलता है
बट पैंक्रियाटिक रस पूछेगा तो वो होगा एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सभी एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मेटाबोलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो दोस्तों मेटाबोलिज्म का संबंध जो है वो पाचन तंत्र से है। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो दोस्तों सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया का नियंत्रण थायराइड ग्रंथि करती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होता है? तो दोस्तों दूध में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, विलाई किस तंत्र का भाग है? तो विलाई जो है पाचन तंत्र का भाग है। विलाई कहा किसका भाग है? पाचन तंत्र का। यह छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। विलाई कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत पर पाया जाता है। घाटी नुमा आकृति होती है जिसे विलाई कहते हैं, ठीक है। अब विलाई में रसांकु भी इसको बोला जाता है हिंदी में, और इसमें रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं जो भोजन को अवशोषण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है, यानी कि अवशोषण होता है उसका? तो जो पचा हुआ भोजन होता है वो विलाई में पाए जाने वाली रक्त वाहिनियां अपने में ले लेती हैं, उसके बाद समस्त शरीर में ऊर्जा को ट्रांसफर करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को विलाई में कौन समाहित करता है? ग्लूकोज अमीनो एसिड को विलाई में कौन समाहित करता है? तो विलाई में क्या पाई जाती है? छोटी आंत की विलाई में रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं जो पोषक तत्वों को अब्जर्व कर लेती है, मतलब उसको अवशोषण कर लेती है, अवशोषित करके समस्त शरीर को भेजती है। नेक्स्ट दोस्तों, वसा को छोटी आंत के विलाई में कौन समाहित करता है? तो वसा को दोस्तों लैक्टियस वाहिनी करती है, यानी जो अक्षीर वाहिनियां होती है हमारे छोटी आंत में, एक लैक्टियस वाहिनी होती है विलाई के अलावा, जो उसको फैट्स को पचाता, फैट्स को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। फैट्स को विलाई में ऑब्जर्व करती है, जिसके जिससे होकर के वह समस्त शरीर में जाता है। नेक्स्ट, गॉल ब्लेडर से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो दोस्तों गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, पित्ताशय से कौन सा पदार्थ निकलता है? बाइल यानी कि पित्तरस। नेक्स्ट है, बाइल नामक द्रव कहाँ बनता है? तो बाइल जूस का निर्माण यानी पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में यानी यकृत में, और कहाँ वो जमा होता है, स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। और वो कहाँ जाकर निकलता है, मिलता है? तो डोडिनम, पित्ताशय नली कहाँ जुड़ी रहती है? डोडिनम छोटी आंत के पहले भाग में, जहाँ वो भोजन में मिलता है पित्तरस, जो वसा का पाचन करता है। तो पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का। नेक्स्ट है, 24 घंटे में कितना बाइल रस यानी बाइल जूस यानी पित्तरस गॉल ब्लैडर से निकलता है? तो कितना निकलता है आपका? आधा से 1 लीटर, ठीक है। और हमारा लार कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर। और हमारा आंत्र रस जो होता है वह 1 से 2 लीटर निकलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? दोस्तों लीवर को, यकृत को। यकृत जो होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास रखे रहता है, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पुनः वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर को ऊर्जा देता है। तो स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो लीवर को, यकृत को। नेक्स्ट है, लीवर में कौन सा पोषक तत्व तो स्टोर होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या AMB, दोनों कौन है दोस्तों? तो लीवर में कौन सा पोषक तत्व तो स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। वसा कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों? यह हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे। एंड प्रोटीन कहाँ पे? हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो दोस्तों जब हम भोजन जीव ही मुंह में लेते हैं तो मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है? लार ग्रंथियों से टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? वह ग्लूकोज यानी शर्करा को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे पहले पाचन कहाँ कहाँ पचता है? तो मुंह में ही पचना स्टार्ट हो जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ पे शुरू होता है? तो मुंह में। और प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ पे शुरू होता है? अमाशय में। और अमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट दोस्तों, छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बना होता है? तो छोटी आंत
डेडुनम, जोजिनम और इलियम तीन भागों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जोजिनम, इलियम व डेडुनम हो जाएगा। जैसे कि छोटी आंत 6.5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 6 से 6.5 मीटर लंबा, सेंटीमीटर नहीं, 6.5 मीटर लंबा होता है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर उसका व्यास होता है। और इसमें सबसे लंबा होता है आपका इलियम, और डोडिनम 30 सेंटीमीटर का होता है, जेजुनम 2.6 मीटर का होता है, और इलियम जो है 3.6 मीटर का होता है, सबसे लंबा होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों बड़ी आंत जो है सीकम, कोलन, मलाशय यानी रेक्टम, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कोलन और रेक्टम, तो कोलन और रेक्टम से मिलकर यहाँ पे सही होगा। जैसे सीकम जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी रहती हैं, एंड जो आपका कोलन होता है, बड़ी आंत का भाग, कोलन चार भागों में बटा होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, पेल्विक कोलन। जैसे कि तो बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा यानी 5 फीट और चौड़ाई 4 से 7 सेंटीमीटर होता है यानी 2 से 2.5 इंच। जैसे दोस्तों मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां आती हैं, यहाँ पे दिया है लार ग्रंथि, लीवर, पैंक्रियाज, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी ग्रंथि आती हैं पाचन तंत्र में। नेक्स्ट है मानव शरीर की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, पाचन करता है, ठीक है, तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के आइसोफेगस यानी ग्रास नली में कितना भोजन का पाचन होता है। दोस्तों तो मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है ग्रास नली में यानी भोजन नली में, इसे आइसोफेगस कहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है। तो जो पेट यानी कि अमाशय के तुरंत बाद क्या शुरू होता है, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, डोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो जो डोडिनम होता है अमाशय के तुरंत बाद शुरू होता है, जहाँ अमाशय से तुरंत भोजन पाइलोरिक कपाट के रास्ते डोडिनम में आता है। नेक्स्ट है भोजन के ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है, ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसका उत्तर पहले ही बता चुकी हूँ। तो प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है, तो पेट में यानी कि अमाशय में, जिसे स्टोमच बोलते हैं। तो प्रोटीन और वसा दोनों का सबसे पहले पाचन होता है आपका अमाशय में, पेट में। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 6.5 मीटर होती है। नेक्स्ट है जीन्स का संवहन कहाँ होता है, तो डीएनए के द्वारा, ठीक है, जीन्स का संवहन कहाँ होता है, डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है। तो यहाँ पे आपका दिया है लार तथा अग्नाशय स्राव में, अमाशयिक तथा अग्नाशय स्राव में, अमाशयिक तथा ग्रहणी के स्राव में, लार तथा अमाशयिक स्राव में। तो दोस्तों यहाँ कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करने की बात कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज और टाइलिन। तो टाइलिन आपका लार में पाया जाता है, एमाइलेज आपका अग्नाशय में पाया जाता है। तो यहाँ लार तथा अग्नाशय स्राव आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन किसके पाचन में ट्रिप्सिन से भिन्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, ठीक है, अमाशय में जो भी हो वो अम्लीय माध्यम में होता है, जो फिर आता है अमाशय से डुओडेनम में छोटी आंत के पहले भाग में, तो वसा उसको क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कशेरुकियों के अमाशय में, कशेरुकियों के अमाशय यानी पेट में अधिकतर कौन सा भोजन पचता है। तो अमाशय की बात कर रहा है दोस्तों, अधिकतर सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पचता है, ठीक है, क्या पचता है, प्रोटीन। नेक्स्ट है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एकदम तेज पदार्थ होता है, तेजाब के जैसे, जैसे उसको आप अपनी त्वचा पे रखेंगे तुरंत जल जाएगा, तो यह भोजन को मथने का काम करता है, ठीक है, तो और भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आती है उसको नष्ट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करना। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा हार्मोन पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशय रस का स्त्रावण नियंत्रित करता है। तो यह पित्ताशय का संकुचन और अग्नाशय रस को स्त्रावण को नियंत्रित कौन करता है, कोलिस्टोन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन
पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एक परख नली में मांड है यानी कि स्टार्च, इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाएगा? तो कौन सा पाचन यानी मांड, मांड यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एमाइलेज कहाँ मिलता है? पित्त में, कि लार में, कि अमाशयी रस में, कि लार व अग्नाशयी रस में? तो जो एमाइलेज होता है वो लार और अग्नाशयी रस में मिलता है, क्योंकि लार में टाइलिन होता है जिसे एमाइलेज भी कहते हैं, सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, और अग्नाशय रस एमाइलेज, दोनों क्या करते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन एंजाइम पीएच 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो पीएच 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन। कौन है? पेप्सिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन है तो कौन है दोस्तों? कैसीन। दुग्ध प्रोटीन कौन है? कैसीन। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निकोटीन अम्ल के लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? निकोटीन किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? मैंने इसका ट्रिक बताया है, थी राइक निकोपेंट बाई थाई बाई बायोनेफास्कर। तो थी राई की निकोपेंट यानी कि B3 है, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है निकोटिनेमाइड। तो निकोटीन अम्ल लंबे समय तक अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? पेलाग्रा। कौन सा होगा? पेलाग्रा। इसके जानने के लिए आप विटामिन वाले वीडियोज को सब देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन अन्य की श्रेणी से भिन्न है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है, ग्लूकोगन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन। तो दोस्तों, इसमें ग्लूकोगन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन ये तीनों हार्मोन है, जबकि टाइलिन एक एंजाइम है। तो एंजाइम टाइलिन जो है वह भिन्न है इन तीनों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड आपके 7-8 वीडियो हो जाएंगे, और इसे इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना मैं वीडियो बना रही हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।